हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। इसमें मुझे आपको आगे की जर्नी के बारे में बताना है। मानेसर के बाद जो नीम राणा के आसपास बहुत बहुत ही भयानक जाम लगा हुआ था दो तीन जगह, और लोग ना रॉन्ग तरीके से ड्राइविंग कर रहे थे। बड़े बड़े ट्रक हो, गाड़ी हो, ये जो डिवाइडर्स होते हैं ना, इसकी तो बहुत ही बदहाली कर रखी थी। इतना नुकसान कर रखा था उस जगह का, पता नहीं कौन सा आंदोलन चल रहा है, मुझे नहीं पता उसकी वजह से, किसकी वजह से मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता होगा, यहाँ के डीएम को पता होगा शायद। और अभी सनसेट हो रहा है, मैं अभी जयपुर नहीं पहुंची हूँ, और खूबसूरत से पहाड़ बीच में भी आए थे, लेकिन बहुत हैवी व्हीकल्स थे, देख के भी मतलब जैसे होता है डर लगता है, वैसी वाली कंडीशन थी, तो मैंने शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ तो छोटा सा क्यूट सा पहाड़ है, तो हमने लंच किया लेट क्योंकि जाम में एक घंटा फंसे रहे। और वो किसान आंदोलन जो चल रहा है, मुझे लगता वही है, मैं पक्का नहीं कह सकती। कम्युनिस्ट के भी फ्लैग्स लगे थे, पता नहीं किसके किसके लगे थे, मुझे समझ नहीं आया। रूट डाइवर्ट किया गया था, गाड़ी के लोग परेशान थे, फैमिली परेशान थी, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं वो परेशान होंगे। बहुत ही हैवी व्हीकल्स का जाम लग जाता है ऐसे ही रूट्स पर। और ये खूबसूरत पहाड़ हैं, जो मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ। तो लंच हमने कर लिया है, और मैंने ना अपने लिए वॉकिंग के लिए एक शू लिया है, बहुत प्यारा सा, ब्रांड नहीं जानती, लेकिन ना मैं बहुत सारी ब्रांड ट्राई की, मुझे कंफर्टेबल नहीं होता पहनने में भी, और पता नहीं चलने में भी। अभी मुझे एक अच्छा शू शॉप दिखा, दो तीन थे, लेकिन मुझे जो पसंद, देखो कितना हैवी है व्हीकल है। और मुझे लगता है मैं वीडियो बंद करूं, क्योंकि ना ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, ध्यान इधर उधर हटता है। तो ये देखो, ये खूबसूरत से पहाड़ हैं, और ये कौन सा एरिया होगा, नीम राणा फुलेरा वाला एरिया है ना, वही है। यहाँ काफ़ी साफ सही है रोड वगैरह, वहाँ पर जाम लगा था, और वो मानेसर से जैसे ही आगे नीम राणा की तरफ रोड जा रही है। तो अगर आप भी जा रहे हैं तो है बहुत जाम, जल्दी निकलें। हमें दो घंटा लेट हुआ, तो उस वजह से भी लंच हमारा लेट हुआ। सोचा आपको ये सनसेट खूबसूरत सा दिखा दूं, और उसके बाद कल मिलते हैं फिर, क्योंकि काफ़ी हैवी इस रोड पे ना, बहुत ही हैवी व्हीकल्स है। हर बार वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो ड्राइव कर रहे हैं फिर वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। बहुत जाम लगा था उस आंदोलन की वजह से, गवर्नमेंट को भी उसको जल्दी से अब रिमूव करना चाहिए, हटाना चाहिए, जो भी बातचीत है जो भी करके, और मसला जो भी हल है सॉल्यूशन निकालो और उसको हटाओ। वो हाईवे है, रन 48 घंटे मतलब 24 घंटे चलने वाला हाईवे है ये, अब इतना जाम लग जा रहा है, सोचो कितना परेशानी होती है लोगों को, रोज आने जाने वाले को, वीक डेज में जो आते हैं उनको, बिजनेस है उनको। ये बॉम्बे वाला रूट है, ये बॉम्बे हाईवे, ये बॉम्बे जाता है ये वाला रूट, जयपुर से सीधे बॉम्बे जाता है, और मैं जयपुर से जोधपुर की तरफ चली जाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं बोर्ड आ रहा है, तो ये कोटपुती, बेड़ोड, और ये क्या मानेसर, इन सब के, ये सब तो सब क्लियर है, लेकिन मानेसर के बाद का रूट बहुत ही भयानक और जाम वाला। ये जो डिवाइडर्स है ना, वो लोगों ने तोड़ दिए थे, इवन हैवी व्हीकल्स, बड़े बड़े जो 8 या पता नहीं 10 पहिए वाले जो होते हैं ट्रक्स होते हैं, उसके ऊपर जंप कर करके दूसरी रोड पे जा रहे थे, और वहां से व्हीकल आ रही थी। सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, और इतनी स्पीड ड्राइविंग कर रहे थे यहाँ पर, इतनी बहुत ही गलत ड्राइविंग भी कर रहे थे रॉन्ग साइड पर लोग। इसको जल्द से जल्द सही करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से आए और जल्दी आए। गुड बाय फ्रेंड्स। और ये खूब मैं सनसेट दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, इसके साथ ही मैं बाय करना चाहती हूँ, गुड बाय, फिर मिलते हैं कल जल्दी ही।